दोस्तों आप सभी लोगों ने इंट्रो में वीडियो देखी। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, एक बलून वाला कॉन्सेप्ट। आपने वेडिंग्स में पार्टीज़ में देखा होगा किस तरह से जो बलून्स हैं एंट्री के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, बड़ा बलून फट जाता है, छोटे वाले बलून्स बाहर उड़ जाते हैं। तो आज वो जो बलून का पूरा सेटअप है वो किस तरह से होता है उसकी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने सारे इक्विपमेंट्स हैं उस बलून के सेटअप के लिए, जो कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं आपको बारी बारी पूरे इक्विपमेंट्स दिखाता हूँ, साथ में मैं आपको एंड में कुछ क्लिपिंग भी दिखाऊंगा इस कॉन्सेप्ट की, किस तरह से आप लोग वेडिंग्स में पार्टीज़ में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एंड में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा किस तरह से आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए जो ये सेटअप है या इक्विपमेंट है इनको परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे हमारे इक्विपमेंट्स आ गए, जो हमारे जो बलून्स हैं जो हम पार्टी में यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपने अभी वीडियो देखा होगा इंट्रो में, उनको पूरा सेटअप करने के काम में आते हैं। तो मैं आपको ये पूरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो दिखाता हूँ किस हिसाब से आपको मिलते हैं। हमारा यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है बलून को ब्लो अप करना, मतलब बलून को फुलाना। तो यहाँ पे हमारे पास ये बलून्स हैं, ये बड़े वाले बलून्स हैं जिनके अंदर हम छोटे बलून्स को भरते हैं। तो ये बिग साइज़ के बलून्स हो गए हमारे, और ये हमारे होते हैं छोटे बलून्स जिनको हम इन बड़े वाले बलून्स के अंदर डालते हैं। तो ये आप देख सकते हो कलरफुल है, हर्ट शेप में और वाइट है, ठीक है, मिक्स है, और एक सेपरेट इंडिविजुअल कलर में भी आपको ये मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे स्टेप आता है, जो ये बड़ा बलून है उसको हम ब्लो अप करते हैं इस पंप से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक पंप है, इससे हम इनको ब्लो अप करेंगे। और जो हमारे छोटे बलून्स हैं ये हमारे ब्लो अप होते हैं इसकी हेल्प से, एक तरह से आप इसको नोज़ल बोल सकते हैं, जो हमारा इसके साथ कनेक्ट होगा ये, और हमारे छोटे बलून्स को ब्लो अप करेगा, फुलाएगा। तो ये हमारा जो सेटअप था बलून्स का और ये पंप्स का, ये हमारा खाली इन बलून्स को फुलाने के काम में आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे छोटे बलून्स होते हैं इनके अंदर हमारी हीलियम गैस का यूज़ होता है, और इसके अंदर हमारी नॉर्मल जो हमारा ये पंप है नॉर्मल हवा जो होता है उसको भरता है। हीलियम गैस का यूज़ इसलिए होता है ताकि जब ये हमारा बलून फूटता है, जब ये बस्ट होगा, तो उसके बाद जो ये छोटे बलून्स होंगे ये सारे हवा में उड़ जाएंगे। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इन जो बड़े बलून्स को है वो बस्ट करने का, मतलब फोड़ने का, उसके लिए हेल्प में आते हैं हमारे ये इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये हमारा होता है ट्रांसमीटर, इसको आप देख सकते हो, बेसिकली हमारे चैनल्स में आता है, जैसे ये 8 चैनल का है, ये हमारा 24 चैनल का है, और ये बड़ा वाला हमारा 36 चैनल का है, ये आप इधर देख सकते हैं। और इसके नीचे हमारे रिसीवर्स रखे हुए हैं। अब बेसिकली जो रिसीवर्स होते हैं वो हमारे इस टाइप के होते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हमारा 24 चैनल वाला है, तो ये इसका केस है रिसीवर्स का, इसके अंदर आपको ऐसे ही रिसीवर्स मिलेंगे, ये देखिए आप। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फोड़ने के काम में हमारा ये वायर्स आते हैं, इन वायर्स को मैं आपको दिखाता हूँ, ये पैकेट्स में आता है, ये देखिए, एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ये, और इतने मैं आपको ये दिखाता हूँ जो ट्रांसमीटर है, सॉरी जो रिसीवर है हमारा, इसके अंदर हमारा ये बैटरी यूज़ होती है। इधर हम यहाँ पे सेल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसका ये एंटीना दे रखा है। सपोज़ आपको इसमें बलून लगाना है फोड़ने के लिए, तो हम उसमें ये वायर का यूज़ करेंगे, मैं आपको वायर दिखाता हूँ ये। तो इधर आप देख सकते हो ये हमारी काफ़ी लंबी वायर है, ये जो हमारी वायर है इसके अंदर यहाँ पे अटैच होती है, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा,
और ये हमारा बलून के ऊपर सेट किया रहता है, मतलब चिपकाया जाता है। टेप से आप लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं बलून के ऊपर, जो हमारा बड़ा बलून होता है उसके ऊपर। अब आगे काम में क्या चीज़ें आती हैं, जब हमने ये रिसीवर के अंदर ये वायर यूज़ कर ली, इसको बलून के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो जब भी हम इस ट्रांसमीटर का यूज़ करके, जो हमारे ट्रांसमीटर है इसमें भी यहाँ पे हमारा बैटरी यूज़ होगी, जो ये ट्रांसमीटर का यूज़ करके जो भी हमारा ये रिसीवर है उसका बटन दबाएंगे, तो यहाँ से जो हमारा ये वायर है ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से जो हमारा बलून है वो फट जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा जो ये रिसीवर है और हमारा जो ये ट्रांसमीटर है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है रिसीवर को और ट्रांसमीटर को, इसमें बैटरी लगा दी है, इसके अंदर भी हमारा जो पीछे बैटरी लगती है वो भी लगा दी है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैंने इस वायर को जो हमारा बलून को फोड़ता है उसको यहाँ पे सेटअप कर दिया है, और यहाँ से इसका पावर की होती है, और एंटीने को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग LED को देख सकते हैं, पावर की जो LED है वो जल गई है। और सेम इसी तरह पे यहाँ से ये वाला ट्रांसमीटर ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पावर की LED ऑन हो गई है, और इसका भी आप लोग एंटीना देख सकते हो। ये जो हमारे ऑपरेट कम से कम 200-250 मीटर की दूरी से भी आप आराम से इजीली कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ये हमारे काफ़ी कीज़ में दे रखे 24 चैनल का है, और यहाँ पे हमारे 24 रिसीवर्स मिलेंगे। तो जिस भी रिसीवर का पीछे का आप लोग ये नंबर देख सकते हो, जैसे कि ये 13 नंबर का है, तो हमें अपने ट्रांसमीटर में 13 नंबर के की को प्रेस करना होगा। अब जैसे मैं एक की प्रेस करूँगा यहाँ पे आपकी LED जलेगी, और जैसे मैं की प्रेस करूँगा आपकी यहाँ पे LED जलेगी। ये कुछ सेकंड के लिए जलती है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब मैं की को प्रेस करता हूँ तो जो हमारा ये वायर है ये कैसे रेड कलर में होता है, मतलब गर्म हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ये वायर हमारा गर्म होता है जो हमारा बलून है वो फट जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ हमें फंक्शंस दे रखे हैं अलग अलग। जैसे आपको एक ही बटन में सारे के सारे ब्लो अप कर देने हैं, जितने भी रिसीवर हैं सबका जो वायर है वो गर्म हो जाएगा, मतलब जितने भी रिसीवर में आपके बलून्स लगेंगे वो सारे फूट जाएंगे। और या फिर आपको ये 0.1 सेकंड देख सकते हो, 0.4 सेकंड देख सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे कि आपका इतने सेकंड के, मतलब 0.1 या 0.4 सेकंड के गैप पे बलून फूटेंगे। मतलब जैसे पहला रिसीवर हो गया उसमें जो बलून लगा है पहले वो फूटा, फिर इतने सेकंड के गैप पे दूसरा फूटा, ऐसे इस सीक्वेंस में चलते रहेंगे। या फिर आप पूरे फायर ऑन कर सकते हो इधर से, ठीक है, और या फिर आप 1-12 के पहले कर सकते हो, या फिर 13-24 के। ऐसे हमारा 36 चैनल वाले में भी आपको मिल जाता है देखने के लिए। और इधर ये हमारा हो गया पूरा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया जो ये वर्क है वो कैसे करता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं जो हमारा बलून है वो हम ब्लो अप कैसे करते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा बलून है वो हम कैसे फुलाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे को एक चीज़ बता दूँ, इंडिया के अंदर ये 3 कलर के बलून्स बहुत पॉपुलर है, रेड, वाइट एंड पिंक। और छोटे वाले आप मिक्सअप देख सकते हैं, ये मिक्स कलर में आते हैं, या फिर आप सिंगल कलर में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये होती है हमारी बलून स्टफिंग किट, इसके अंदर हमारी ये 3 चीज़ें निकलती हैं, एक ये पाइप हो गया, एक ये नोज़ल हो गई, और यहाँ पे एक ये टूल हो गया जिससे हम बड़े वाले बलून को सेट करते हैं और उसके अंदर छोटे वाले बलून लगाते हैं। अब आप देख सकते हो हमने इसको ऐसे इससे स्क्रू कर रखा है इस सरफेस के ऊपर ताकि ये हिले ना। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो ये बड़ा सा बलून है इसमें हम एयर भरते हैं, और उसके लिए हमारे यूज़ में आएगा ये पंप। इस तरह से हम यहाँ पे बलून लगा देंगे, और पंप को हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है। अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये एयर जो है इसमें भरती है। तो इस तरह से हम बड़े वाले बलून को भर सकते हैं। अब आप देखिए हमने जो बड़ा बलून है इसके अंदर हमने एयर भर दी है, लेकिन एयर जो है बाहर नहीं निकल रही है। ये इस टूल की वजह से हो रहा है, इसकी खास बात है इसके अंदर यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम है जिससे जो एयर है वो वापस बाहर नहीं निकलती है। तो दोस्तों अब हम इस बड़े वाले बलून के अंदर छोटे वाले बलून को डालेंगे, उसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस नोज़ल और इस पाइप के थ्रू आपको जो छोटा बलून है वो इस बलून के अंदर बड़े वाले के अंदर डालना है। जो नोज़ल है उसके आगे हमारा छोटा बलून फिट हो जाएगा, आपको भी दिखाते हैं कैसे। और यहाँ पे इस पंप के थ्रू हम उसके अंदर भी एयर भर देंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब इसके अंदर हम जो छोटा बलून डालेंगे उसके अंदर हमें हीलियम गैस डालनी है, जो कि आप जैसे ये पाइप है हमने इस पंप के अंदर लगा दिया है, आपको यही पाइप सेम आपको जो सिलेंडर होगा आपका हीलियम गैस का उसके अंदर लगाना है, और फिर जो आपका जो बलून में है ये छोटा बलून चला जाएगा। अब इस बलून को हम इसके अंदर यहाँ से डालेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो। और यहाँ
यहाँ से हमें ये इसमें टाई कर देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो बड़े वाला बलून है उसके अंदर छोटा बलून चला गया है। इन दोनों में हमारी जो नॉर्मल एयर है ये भी डाली हुई है। छोटे वाले बलून में आपको हीलियम गैस का यूज़ करना है, बड़े में नॉर्मल इस पंप के थ्रू आपकी एयर आ जाएगी। और यहाँ पे आपको मिलती है स्टफिंग किट और ये पंप, तो इनकी हेल्प से आप लोग ये जो बलून है वो फुला सकते हैं। और इस तरह से आपको ये टाई कर देना है। और जो आपका बड़ा वाला बलून है वो भी इधर से आप टाई कर सकते हैं, जिस तरह से छोटा वाला टाई किया हमने। तो अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से जो हमारा वायर है बलून के ऊपर हम अटैच करते हैं और इस बलून को किस तरह से हम फोड़ते हैं। तो ये इस तरह से हमें टेप से वायर को बलून से पेस्ट कर देना है और फिर हम इस वायरिंग को रिसीवर से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने जो रिसीवर है और इसको सेटअप कर लिया, जैसे मैंने आपको पेस्टिंग करके दिखाई थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें इसको फोड़ना है। अभी जो रिसीवर का नंबर हमारा 7 है और यहाँ पर जैसे मैं 7 नंबर दबाऊँगा और आप लोग देख सकते हो बलून फूट गया है और जो छोटा बलून है वो निकल, क्योंकि उसमें नॉर्मल गैस थी। अगर इसमें हीलियम गैस होती तो ये हवा में उड़ जाता। तो ये सारे हमारे इक्विपमेंट्स थे इसके लिए और ये आप देख सकते हो छोटा बलून। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने ये पूरा सेटअप दिखाया किस तरह से जो हमारे पार्टीज़ में या वेडिंग्स में यूज़ होता है ये जो हमारा बलून वाला कॉन्सेप्ट है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन सी हमारी जो चीज़ है यहाँ पे मल्टीपल यूज़ है, कौन सी लाइफ टाइम के लिए यूज़ हो सकती है, कौन सी सिंगल यूज़ है। तो जैसे कि आप लोग ये रिसीवर और ट्रांसमीटर देख रहे हैं, ये आपके लाइफ टाइम के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 24 चैनल है, 36 चैनल है, ये 8 चैनल है। इसमें आपको बड़े बड़े ट्रांसमीटर मिलते हैं और यहाँ पे जो हमारा 8 चैनल वाला होता है उसके लिए आपको छोटे रिमोट्स मिलेंगे। और जो हमारे वायरिंग है ये हमारी मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकती है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं जब तक ये फिलामेंट रहेगा, आप लोग को जो मैंने दिखाया जो गर्म होता है, जब तक ये फिलामेंट रहेगा जब तक आपका ये मल्टीपल यूज़ होते रहेंगे। और आपके जो ये बलून्स हैं ये हमारे सिंगल यूज़ के होते हैं, साथ में ये बलून पंप हो गए और ये जो हमारा ये पाइप है और ये नोजल्स होते हैं ये भी आपके लाइफ टाइम के लिए यूज़ हो सकती हैं। और ये आपका मल्टीपल हो गया, वो सिंगल यूज़ हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को स्वास्तिक स्टेज इफेक्ट की तरफ से 3 किट्स देखने को मिल जाती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी किट्स इनसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इनका प्राइस पता करना है या फिर आपको ये परचेस करना है तो स्वास्तिक स्टेज इफेक्ट्स का जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दिया, नंबर भी दे दिया, आप लोग उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये इन जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगी, वो कुरियर आपको करवा देंगे। तो दोस्तों, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपके हीलियम गैस का यूज़ होगा तभी ये हवा में जाएंगे, नहीं तो ये नीचे ही आ जाएंगे। और आपको जो बड़ा वाला बलून है उसको ब्लो अप नॉर्मली पंप से ही करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।